हेलो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखने वाले माइनक्राफ्ट के काफी ज्यादा कूल और इंटरेस्टिंग कमांड्स। अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं आपको इस वीडियो में किल, फिल, समन इस तरह की कॉमन कमांड बतलाऊंगा तो आप लोग बिल्कुल गलत हो। अब इन 10 में से आपको कितनी कमांड पता होगी ये डिपेंड करता है आप कितने पुराने प्लेयर हो। बाकी कमेंट में बतला जरूर देना एक्चुअल में आपको इनमें से कितनी कमांड पता थी। हाँ, तो इस वीडियो का कोई भी लाइक गोल नहीं है, आप जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो मैं आपको पहले ही बतला दूं ये सारे के सारे कमांड आपके सर्वाइवल वर्ल्ड, क्रिएटिव वर्ल्ड, मल्टीप्लेयर वर्ल्ड या फिर सिंगल प्लेयर खेलो सभी में वर्क करेगा। बस आपका ये वाला ऑप्शन इनेबल होना चाहिए। सबसे पहला कमांड काफी ज्यादा यूजफुल है, आप लोगों के साथ हमेशा होता होगा जब भी आप पार्कोर मैप खेलते हो और उसमें आप सर्वाइवल से क्रिएटिव करना चाहते हो तो होता ही नहीं है। वहाँ पर शो तो कर देता है क्रिएटिव लग चुका, लेकिन गेम के अंदर हमारा सर्वाइवल ही रहता है। तो क्रिएटिव करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा /game-mode-c या फिर पूरा क्रिएटिव भी लिख सकते हो और इंटर करते ही आप क्रिएटिव में आ जाओगे। और इसी तरीके से आप सर्वाइवल में भी जा सकते हो, डिफॉल्ट करने के लिए इसी तरीके से आप /game-mode-d भी कर सकते हो। ओके, तो अगली कमांड से आप कुछ भी ले सकते हो भले वो आपके क्रिएटिव मेन्यू में हो या फिर ना हो। अभी मैं यहाँ पर एक छोटे से केज के अंदर बंद हूँ और यहाँ पर लाइट का कोई सोर्स भी नहीं है, फिर भी यहाँ पर काफी तगड़ी लाइट है क्योंकि मैंने यहाँ पर लाइट का ब्लॉक लगाया हुआ है और आप भी इस वाली कमांड से लाइट ब्लॉक ले सकते हो। लाइट ब्लॉक को आप जैसे ही हाथ में लोगे तो आपको यहाँ पर दिखला देगा कि आखिर आपने यहाँ पर कितने सारे लाइट ब्लॉक को लगा रखे हैं। देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक लाइट ब्लॉक लगाया हुआ है और इसका ब्राइटनेस भी मैंने फुल 15 पर रखा हुआ है और इसके ब्राइटनेस को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हो। बाकी इस वाली कमांड से आप बाकी सारी चीजों के साथ साथ बैरियर और स्ट्रक्चर ब्लॉक भी ले सकते हो जो कि आपके क्रिएटिव इन्वेंटरी में देखने को नहीं मिलता। अभी हमने पिछले वाले कमांड का यूज करके एक शॉर्ट तो ले लिया है और उसे अभी हमें इंचेंट करना है। तो शॉर्ट को हाथ में पकड़ेंगे और हमें लिखना पड़ेगा /enchant@s, उसके बाद इंचेंट का नाम लिखेंगे जैसे कि शार्पनेस 5 मैंने लिख दिया है और जैसे इंटर करेंगे तो हमारा शॉर्ट इंचेंट हो जाएगा। देख सकते हो हमारा शॉर्ट इंचेंट हो चुका है और इस तरीके से आप किसी भी चीज को फ्री में इंचेंट कर सकते हो। नेक्स्ट कमांड की मदद से आप माइनक्राफ्ट के अंदर विलेज, टेम्पल, स्ट्रॉन्ग होल्ड या फिर माइनक्राफ्ट के किसी भी स्ट्रक्चर को इजिली फाइंड कर सकते हो। उसके लिए आपको टाइप करना पड़ेगा /locate और आप जिस भी चीज को फाइंड करना चाहते हो उसका नाम आगे लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर काफी सारे नाम आ चुके हैं तो मैं यहाँ पर एक विलेज को फाइंड करता हूँ तो मुझे इसका आगे लिखना पड़ेगा /locate उसके बाद विलेज और जैसे मैं इंटर करूंगा तो यहाँ पर उसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। बाकी अभी मैं यहाँ पर टीपी हो लेता हूँ, जैसे मैं टीपी हुआ तो देख सकते हो मैं यहाँ पर एक विलेज में आ चुका हूँ। तो ये वाला कमांड भी काफी ज्यादा यूजफुल है जिसकी वजह से आप किसी भी चीज को इजिली फाइंड कर सकते हो। अभी मैं इस विलेज में आ ही गया हूँ तो मैं आपको यहाँ पर एक और जबरदस्त कमांड बतलाता हूँ जिससे आप फ्लैश के जैसे स्पीड हो सकते हो या फिर हल्क के जैसे पावरफुल। इसके लिए आपको टाइप करना पड़ेगा /effect@s, उसके बाद आपको स्ट्रेंथ का चाहिए या स्पीड का चाहिए वो टाइप कर दीजिए। मैं यहाँ पर स्पीड का फिलहाल लिख रहा हूँ और यहाँ पर आप 1000 या कुछ भी डाल सकते हो और यहाँ पर 10 सेकंड में डाल देता हूँ या 10 मिनट या जो भी है वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ और मुझे अभी यहाँ पर स्पीड का इफेक्ट मिल चुका है और देख सकते हो मैं काफी ज्यादा स्पीड भाग रहा हूँ। अभी मुझे स्पीड का इफेक्ट मिल ही चुका है तो क्यों ना आयरन गोलम को भी परेशान कर लिया जाए थोड़ा। तो देख सकते हो ये हमारे पीछे पीछे आ रहा है लेकिन ये तो हमें पकड़ ही नहीं सकता। म्यूजिक, पिछले कमांड को टेस्ट करते समय मैंने रिस्पॉन पॉइंट नहीं सेट किया था इसलिए मैं अभी इधर स्पॉन हो गया हूँ। तो आप बिना बैठ के भी रिस्पॉन पॉइंट सेट कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा /set world spawn, बस इतना ही लिखना पड़ेगा और आपका रिस्पॉन पॉइंट सेट हो जाएगा। बाकी सेट हुए रिस्पॉन पॉइंट को क्लियर करने के लिए आप इस वाली कमांड का यूज कर सकते हो। अगर आप मल्टीप्लेयर माइनक्राफ्ट खेलते हो और अपने फ्रेंड को पर्सनल मैसेज करना चाहते हो तो आप इस वाली कमांड का यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा /msg उसके बाद @ आपके फ्रेंड का गेमर टैग, उसके बाद आपका जो भी मैसेज हो वो मैसेज लिख दीजिएगा तो वो मैसेज आपके सिर्फ फ्रेंड को दिखेगा बाकी किसी भी प्लेयर को नहीं दिखेगा। ये वाला कमांड आप में से किस किस को पता था कमेंट जरूर करना। तो अगर आप लोग बिना किसी एक्सपी फार्म के काफी सारी एक्सपी लेना चाहते हो तो उसके लिए भी एक जबरदस्त कमांड है। इसके लिए आपको टाइप करना पड़ेगा /xp उसके बाद 1000 या 10000 डाल दो, ज्यादा 01 डाल देना वरना वर्क नहीं करेगा। ये डाल लेने के बाद आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा @s डाल दीजिएगा, उसका जैसे इंटर करिएगा तो आपको काफी सारी एक्सपी मिल जाएगी। यहाँ पर देख सकते हो मुझे यहाँ पर 63 एक्सपी मिल चुकी है। कई बार जब हम क्रिएटिव खेल रहे होते हैं और हमारी इन्वेंट्री में काफी ज्यादा कचरा भर गया होता है कुछ इस प्रकार से तो इसे आप एक साथ क्लियर भी कर सकते हो। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा /clear, बस इतना ही लिखोगे और जैसे इंटर करोगे तो आपका सारा इन्वेंट्री खाली हो जाएगा। बाकी अपनी इन्वेंट्री में से किसी पर्टिकुलर एक आइटम को क्लियर करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा /clear@s और जो आइटम को खाली करना चाहते हो उसका नाम जैसे कि मैं डट लिख रहा हूँ और ये जैसे ही मैं टाइप करूंगा तो मेरा डट गायब हो चुका देख ही सकते हो आप। एंड सबसे आखिरी में इस वाली कमांड से आप एक हॉर्स स्पॉन कर सकोगे जिस पर आप ऑलरेडी बैठे होंगे, पर याद रखना हॉर्स अगर बड़ा वाला स्पॉन हुआ होगा तो, वरना बेबी हॉर्स स्पॉन हो गया होगा तो आप तो उस पर बैठ ही नहीं सकते। हाँ, तो फ्रेंड्स आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही था। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी फिर मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।